ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्र मन में तैनात सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी मन पर काली 7 महीले विशेष हवाई सेवा शुरू करे जाहे। मुख्यमंत्री हा अपन दौरा के तीसरा दिन आज सूरजपुर पहुंचिन। वहां रघुनाथ नगर में कॉलेज खोले के वाड्रफ नगर में मिनी स्टेडियम और अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट शुरू करे के घोषणा करिन। और मौसम विभाग के अनुसार अवैया 24 घंटा में प्रदेश में कुछ एक जगह में हल्का वर्षा अंधड़ या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना। अब समाचार विस्तार ले। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्र मन में तैनात सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी मन पर काली 7 महीले विशेष हवाई सेवा शुरू करे जाहे। यह हवाई सेवा छुट्टी में जवैया जवान और अधिकारी मन पर होही। इमा एक निजी एयरलाइंस के 72 सीटर विमान सप्ताह में 3 दिन बुधवार शनिचर और इतवार के जगदलपुर ले रायपुर होके दिल्ली तक उड़ान भरही। ये विमान सेवा सिर्फ नक्सल मोर्चा में तैनात अर्धसैनिक बल के जवान और अधिकारी मन पर रही। आम नागरिक मनला ये सुविधा नहीं मिले। ये हवाई सुविधा के शुरू होए ले माओवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवान मनला छुट्टी में आ जाए बर बड़ सुविधा हुई। संगे संग बेरा के घलो बचत होही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तीसरे दिन आज सूरजपुर जिला के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथ नगर में लोगन ले आने आने जन कल्याणकारी कार्यक्रम के कामकाज के बारे में जानकारी लीन। ए मौका में उमन हा रघुनाथ नगर में कॉलेज खुले के वाड्रफ नगर में मिनी स्टेडियम और अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट शुरू करे जाए के घोषणा करीन। संगे संग रघुनाथ नगर में तालाब बनाए के घलो मंजूरी दिन उन्हें गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक के शाखा खोले जाए के ऐलान करीन। इसके अलावा मुख्यमंत्री हा ग्राम केरता में 3,30,00,000 रूपया के लागत के 15 ठन विकास काम के लोकार्पण और शिलान्यास करीन। अपन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हा रघुनाथ नगर के चौपाल में लोगन के शिकायत में पटवारी पन्नालाल सोनानी ना निलंबित करे के आदेश दीन। इसने सूरजपुर जिला के प्रतापगढ़ में गौठान में लापरवाही के शिकायत में डीएफओ मनीष कश्यप और रेंजर संस्कृति वारले ला घलो निलंबित करे बर किहीन। वहीं मुख्यमंत्री हा बलरामपुर जिला के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में 57 करोड़ रूपया ले ज्यादा के लागत के 31 ठन काम के लोकार्पण और शिलान्यास करीन। इस दौरान आम लोगन ले गोठ बात करे के बाद अधिकारी मन ले घलो भेंट करीन। ए मौका में उमन कहीन कि आम जनता और किसान मन के छोटे छोटे समस्या के निपटारा तुरते करे जाना चाहिए। उन्हें लोक सेवा गारंटी के आवेदन के निपटारा घलो समय सीमा में करे बर कहीन। कार्यक्रम में श्री बघेल हा कहीन कि पुलिस के काम करे के तरीका लोगन ला न्याय देवाए के होना चाहिए। श्री बघेल हा नामांतरण बंटवारा सीमांकन जैसन राजस्व ले जुड़े मामला के निपटारा घलो जल्दी कराए बर कहीन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी हा आने आने विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन के आखिरी तारीख ला ए महीना के 22 तारीख तक बढ़ा दिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हा बतायें कि केंद्रीय राज्य और प्राइवेट विश्वविद्यालय मन में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी मनला आवेदन करे के उपराहा मौका मिली। 3.5 घंटा के कम्प्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा ला 2 पाली में कराये जाही। आयोग ले वित्तीय सहायता मिले पर सबो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा जरूरी है। दुरुग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बीएन मीणा हा काली राजनांदगांव और मानपुर क्षेत्र के दौरा करके पुलिस अधिकारी मन के बैठका लीन। ए दौरान उमन हा कानून व्यवस्था के जानकारी लीन और जरूरी निर्देश दीन। आईजी हा आम लोगन बर पुलिस के पहुंचला आसान करे बर और उखर समस्या के निपटारा जल्दी करे बर कहिन। पुलिस महानिरीक्षक हा नवा जिला के स्थापना पर सबो प्रशासनिक तैयारी ला तेज करे बर कहिन। संगे संग माओवादी गतिविधि के बारे में जानकारी लेके नक्सल ऑपरेशन ला तेज करे बर घलो किहीन। बैठक के बाद ओमन हा मदनवाड़ा सीतागांव और कोहका थाना के दौरा करिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती।
दुर्ग जिला में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारी और कर्मचारी मन ला अब साप्ताहिक अवकाश मिलही। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव हा आदेश जारी करीन है। ओमन हा आज जनरल परेड के निरीक्षण करके उत्कृष्ट टर्नआउट और ड्रिल करैया कर्मचारी मन ला सम्मानित करीन। ओमन हा दरबार लगा के कर्मचारी मन के अवकाश, ट्रांसफर, आवास और दूसर समस्या मन के निपटारा करीन। कांकेर पुलिस ह एक ठन लॉज ले पति पत्नी संग्रह दू झन लैका मन के लाश ला बरामद करे हे। पुलिस के अनुसार रायपुर निवासी एक के परिवार के चार सदस्य बुधवार संझा कांकेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक ठन लॉज मा गे रहिन। दूसर दिन संझा तक उखर कमरा ले काखरो बाहर नहीं निकले मा एखर सूचना लॉज प्रबंधन हा पुलिस ला दिस, जेखर बाद कमरा के दरवाजा तोड़े बा एमन सबो झन के शव मिलिस। पुलिस हा मामला की जांच शुरू कर दे हे। अब पेश है मौसम के हाल। दक्षिण अंडमान सागर और ओखर ले लगे दक्षिण पूर्व बंगाल के खाड़ी के ऊपर एक ठन निम्न दबाव के क्षेत्र बने है। एखर उत्तर पश्चिम डहर जाए के संभावना है। एखर असर ले काली संझा तक दक्षिण पूर्व बंगाल के खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान के आसानी मां बदले के संभावना है। उहे अवैया दिन 8 मई के संझा तक एक तूफान के पूर्व मध्य बंगाल के खाड़ी के ऊपर और उत्तर मां पश्चिम मध्य बंगाल के खाड़ी तक पहुंचे के संभावना है। 10 मई तक एखर प्रभाव आंध्र ओडिशा के तट मां देखे मिल सका थे। उहे मौसम विभाग कहे है कि ये चक्रवाती तूफान के प्रभाव छत्तीसगढ़ में कब और कतका होही ये बात एक दो दिन में पता चलही। यही बीच मौसम विभाग प्रदेश में कुछ एक जगह में हल्का वर्षा या गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना बताए है। उहे राज्य के कुछ एक जगह में अंधड़ चले के घलो संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होए के संभावना है, फिर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के तापमान में खास परिवर्तन होए के आसार नहीं है। अब थोरकुन समाचार सारमा। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज बिहनिया खुल गया हवा। एखर पहले केदार बाबा के पंचमुखी डोली धाम में पहुंचेस। यही बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के यात्रा आसानी ले चलत है। पद्म पुरस्कार 2023 बर नामांकन ए बच्छर 15 सितंबर तक करे जा सकत है। एखर बर ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश भेजे के प्रक्रिया 1 मई ले शुरू हो गये हवे। पुरस्कार की घोषणा अवैया बच्छर गणतंत्र दिवस के मौका में करे जाही। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गया है। विद्यालय की कक्षा 3री, 6वीं, 9वीं और 11वीं में प्रवेश पर 17 मई तक आवेदन करे जा सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया हा आज अपन बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर जिला के आंगनबाड़ी केंद्र मन के निरीक्षण करें। ए दौरान उमन हा टाकरागुड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में अव्यवस्था पाए मा सुपरवाइजर ला निलंबित करे के निर्देश दीन। रायपुर धमतरी रद्दा में राखी थाना क्षेत्र में ट्रक और बस के साथ एक ठन कार के टकराए ले कार में बैठे एक झन मनखे के मौत हो गये। उन्हें 6 झन यात्री मन घायल हो गये हवे। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति हा आंदोलन के विस्तार करे तो बड़े आंदोलन करे के और रैली बर प्रभावित गांव मन के पारी तय करीन है। एकर अनुसार 7 ले 18 मई तक आने आने प्रभावित गांव के लोगन के पारी लगाए गये हवे। और बलरामपुर जिला के रामानुजगंज पुलिस हा पाइप खरीदी के मामला में कार्यपालन अभियंता उमाशंकर राम के खिलाफ FIR दर्ज कर ले हवे। ओखर ऊपर बिना पाइप सप्लाई करे भुगतान करे के आरोप है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्र मन में तैनात सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी मन पर काली 7 मई विशेष हवाई सेवा शुरू करे जाही। मुख्यमंत्री है अपन दौरा के तीसरे दिन आज सूरजपुर पहुंची। वहां रघुनाथ नगर में कॉलेज खोले के वाड्रफ नगर में मिनी स्टेडियम और अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट शुरू करे के घोषणा करें। और मौसम विभाग के अनुसार अवैया 24 घंटा में प्रदेश में कुछ एक जगह में हल्का वर्षा, अंधड़ या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहें सिरावत है। जय जोहार।